नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उमरिया जिले के पाली नगर में स्थित बाबा साई मंदिर के 18वें वर्षगांठ महोत्सव अवसर पर बाबा साई की विधि विधान के साथ पूजा आराधना कर भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसका पाली नगर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। लोग बड़ी श्रद्धा उल्लास के साथ बाबा साई की पालकी पावड़ी बिछाकर हृदय से स्वागत किया। इस दौरान साई भक्त धीरेन्द्र शर्मा के द्वारा अपने मेडिकल प्रतिष्ठान के सामने केसर खीर का वितरण किया गया। वहीं 11 गणेश उत्सव समिति के द्वारा प्रकाश चौक में शीतल पेयजल और मीठे पेय पदार्थ का वितरण पूरी श्रद्धा के साथ किया गया। स्थानीय सरस्वती विद्यालय की छात्राओं ने महाराष्ट्रियन वेशभूषा में बाबा जी की पालकी की अगुवाई की, जिसका नेतृत्व शिक्षक सुषमा मैडम ने किया। साई मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष संजीव खंडेलवाल ने बताया कि इस आयोजन के दौरान कल 14 मई को सुबह से विधि विधान के साथ बाबा जी का अभिषेक पूजन कर भंडारे का कार्यक्रम किया जाएगा। आप सभी को साई राम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा की मूर्ति स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने पर आज दिनांक 13 मई को साईनाथ के मंदिर से साईनाथ की पालकी निकल रही है, जो पूरे नगर का भ्रमण करने के पश्चात वापस साई मंदिर में आएगी। यह आयोजन यहां प्रतिवर्ष होता है जब से बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई है। कल दिनांक 14 मई को सुबह से बाबा का मूर्ति अभिषेक प्रारंभ होगा। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे से भंडारे का आयोजन जो हर साल होता है वो होगा, और इसके साथ ही रात में बाहर से हमारे छत्तीसगढ़ से आ रहे कलाकारों द्वारा साईनाथ के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाली के लोग और आम आसपास के सभी लोग बड़े विशाल रूप में इस झांकी में सम्मिलित होते हैं, और भंडारा भी बाबा का जो सुबह से शुरू होता है तो पूरी रात तक चलता है। हमारा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, साई समिति सबसे निवेदन करती है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों एवं साईनाथ का पुण्यलाभ दर्शन कर पुण्यलाभ अर्जित करें। पिछले 18 वर्षों से चल रहा है यहाँ साईनाथ की पालकी यात्रा 13 तारीख को होता है, और ये पूरे नगर का भ्रमण करते हुए और पूरे जगह जगह भोग प्रसाद बढ़ता है। लोग वहाँ इसका बहुत 10,000 के पब्लिक साथ में चलती है पालकी यात्रा के, और ये पूरे शहर का भ्रमण करती है। हरिहर दरबार होती है, बाजार होती है, फिर साई मंदिर मंदिर में आएगी, और कल सुबह से भोग प्रसाद और हवन का कार्यक्रम है और भंडारे का प्रोग्राम है। ये शाम 9 बजे तक, रात 9 बजे तक चलेगा, और 8 बजे के बाद से आप जगराता का प्रोग्राम किया गया है साई मंदिर में। साईनाथ महाराज की वर्षगांठ बहुत ही भव्यता के साथ मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ हजारों हजार लोग साईनाथ महाराज की शोभा यात्रा में सम्मिलित है। यह शोभा यात्रा समूचे उमरिया जिला नहीं, संभाग नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। साईनाथ भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ की हजारों हजार लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। जय साईनाथ महाराज की। और यहाँ पे भंडारे का भी बृहद आयोजन किया जाता है, और पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद हमारी शोभा यात्रा साईनाथ महाराज जी पूरे नगर को भ्रमण करते हुए अंत में साईनाथ दरबार पहुँचती है। जय साईनाथ महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी कामना साईं दरबार।